बेरोजगारी दर हरियाणा में सबसे ज्यादा, देव कुटुंबकम। दूसरी तरफ आप कहते हो पड़ोसी भी अगर आपका मुसलमान आ गया तो ये आपको मार देगा, मोदी जी को वोट दीजिए नहीं। अतिवाद फैलाना, धर्मवाद, जो 23 में देखा आपने मेवात में कितना बड़ा कांड होता, ये पिछले 10 सालों में मेरे हरियाणा को बर्बाद कर दिया गया। इंडिया में जिस तरह से किसानों की बैठक हुई उसमें क्या निकला है सर, जिस तरह से हरियाणा के जो किसान थे वो दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक की, उस बैठक में क्या निर्णय निकला है? भाई जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मातर सिंह काद्यान, प्रेस प्रवक्ता काद्यान खाप और जेएसओ हरियाणा अध्यक्ष, जो किसान आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान रहा, लंगर चला आप लोगों के सहयोग से टिकरी बॉर्डर पे, और आज यहाँ प्रेस क्लब में जो मीटिंग थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम आए। इसमें हरियाणा विधानसभा जो इलेक्शन अभी महीने भर के अंदर आ गया है, उसी का मामला, किसान संगठन, किसान ही क्या मैं कहूँगा कि तकरीबन हरियाणा की समस्त आबादी, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, वो पूरी तरह से बदलाव के मूड में है, क्योंकि उन लोगों ने 10 साल में ये देखा कि अभी आपने पीछे देखा जो हमारे अभी बदलाव के मूड में है। हाँ, लेकिन उनका रुख किस तरफ? रुख वो, क्योंकि वैकल्पिक तौर पे वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, दूसरी पार्टी जो भी सत्ता की पोजीशन में होगी उसी के साथ आएंगे, और फिलहाल कांग्रेस का ही बोलबाला है। क्या वहाँ पे बीएसपी, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बीएसपी और जसपा का जो गठबंधन हुआ है, क्या वहाँ के किसान जो है वो जाट की प्रवृत्ति से ज़्यादा आते हैं, और उनकी जो पार्टी कही जाती है जो बहुजन समाज पार्टी, जो उनके महापुरुषों की विचारधारा वाली पार्टी है, क्या उसके साथ वो नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखो थोड़ा बहुत वोट बैंक तो उनके साथ भी जाएगा, क्योंकि तकरीबन अभी बताऊं आपको कि जो साथी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोटर था, उसने ये देखा पिछले दिनों अकहाँ जो मायावती जी ने गठबंधन किया है तो वो किस ओर लेके जा रही हैं, उनका अपना रुख, क्योंकि अभी आपने देखा नेशनल लेवल पे भी उन्होंने, अगर हम सीधे पादरे को बीजेपी का अगर विरोध था जहाँ कहीं पूरे देश में था, लेकिन बीएसपी का कोई खूब मुखर विरोध नहीं था इस बात पे, तो वो लोग वोटर को खुद समझना होगा, खुद सोचना होगा कि उनके हित। अभी आपने देखा चंद्रशेखर जी आए थे, विधायक वो एमपी भी बने हैं, अभी इसमें हरियाणा में गठबंधन किया जेजेपी के साथ, जेजेपी तो बीजेपी का पार्ट टू था, और अभी चंद्रशेखर बीजेपी के विरोध में मूल निवासी के हकों पे, एससी बीसी ओबीसी के हकों पे जीत के आए, और अभी उन्हीं लोगों के पक्ष में जाके बैठ गए, तो क्या वोटर नहीं सोचेगा कि मेरा नेता जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा है? लेकिन बताया जाता है जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के पहलू है, एक नाम, देखो ये कोई दोराय नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्यों, लेकिन विकल्प क्या है? अगर हम विकल्प पे आए, अभी इस पोजीशन में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है कि वो अपने दम पे सरकार बना सके, अगर ये इनेलो वगैरह हैं जैसे जेजेपी पिछली बार भी बीजेपी के विरोध में वोट ली थी और फिर बीजेपी की गोद में ही जाके बैठ गए थे, तो इस चीज़ का लोगों को पता चल गया, समझ आ गई, क्योंकि सरकार बनने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी वो खुद गालियां दे रहे हैं कि हमने इसके विरोध में आपको वोट दी थी और आप उसी के साथ जाके बैठ गए। तो इस बार किसान किसके साथ? किसान ने पक्कम पक्का बीजेपी को हराएगा, और अगर सत्ता की पोजीशन पे अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ जाएगा। बीजेपी को हराने के लिए तो तमाम राजनीतिक पार्टी दावा कर रहे हैं। नहीं, हाँ, दावा नहीं कर रहे, जो हरियाणा के हालात हैं, हालात बता रहे हैं। आप देखिए पिछले 10 सालों में मेरे हरियाणा को बर्बाद कर दिया गया, जो नंबर वन हरियाणा होता था, आज बेरोजगारी दर हरियाणा में सबसे ज्यादा है। बीजेपी को हराने का आखिर मसला क्या है? क्यों बीजेपी को आप लोग हराना चाहते हैं? इनकी नीतियां, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, भाई भाई को जातिवाद फैलाना, धर्मवाद, जो 23 में देखा आपने मेवात में कितना बड़ा कांड होता, अगर खाप पंचायतें और हम खुद अगर साथ नहीं खड़े होते तो मेवात में कितना बड़ा कांड होता, और वो मेवात तो नहीं रुकता। धर्म और जात की राजनीति करती है, वो तो राष्ट्र की राजनीति करती है सर। राष्ट्र की राजनीति करती है, बीजेपी का कोई एक, जो पहले बीजेपी जनसंघ होती थी, बीजेपी का जनसंघ का कोई एक क्रांतिकारी बताइए जिसका देश की आज़ादी में योगदान हो, बताइए, आप ही बताइए, आप पत्रकार साथी हैं, हर जगह जाते हैं, सबसे सवाल जवाब करते हैं, बताइए ना, क्या जिस राजनीतिक पार्टी का देश की आज़ादी में योगदान नहीं होगा वो राष्ट्रवादी नहीं होगा?
राष्ट्रवादी कहाँ, आप ये देखिए ना, उन्होंने तिरंगे तक को नहीं अपनाया था। कितने दिनों तक उन्होंने अपने आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, कितने दिनों तक वहाँ आप आरएसएस को आप लोग क्यों बार बार जोड़ते हैं, उसको आप बदनाम करते हैं? बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस एक संघ है। आरएसएस एक संघ है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो संगठन है ना, उस संगठन का पॉलिटिकल फेस बीजेपी है। जो मूल निवासी की बात है, जो हमारे आम आदमी के हकों की बात है, उस पे दोनों को वही विचार है, दोनों का वही सोच है। लगातार फ्रंट फेस बीजेपी का कर रखा है, बैक से सपोर्ट तो वही कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, फिर भी आप लोग उसका आलोचना कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात, कौन सा हिंदुत्व है, कौन सा हिंदुत्व है? आप एक तरफ तो नारा देते हो वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी तरफ आप कहते हो पड़ोसी भी अगर आपका मुसलमान आ गया तो ये आपको मार देगा, मोदी जी को वोट दीजिए नहीं तो मुसलमान आपको मार देगा। दूसरी तरफ आप कहते हो अखंड भारत है। अरे भाई, यहाँ के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उन्हें, उनसे तो आपको बड़ी एलर्जी है, दस्त लगे हुए हैं, और आप अखंड भारत की बात करते हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो। अगर वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे भी अगर आपने अखंड भारत में जोड़ लिए तो आपका क्या होगा, कोई जगह मिलेगी क्या? लेकिन अगर बात की जाए तो देश को 78 साल हो गया, अगर आज तक एससी एसटी ओबीसी को कोई राजनीतिक हिस्सेदारी दी है तो भारतीय जनता पार्टी, ये कोई से छिपा नहीं है सर। कोई चाहे एक मुख्यमंत्री बताइए जो बीजेपी ने एससी बीसी का बनाया हो, एससी का बीजेपी का कोई एक मुख्यमंत्री बताइए, कैसे कह रहे हैं? ओबीसी की तो भागीदारी मिली है सर, ओबीसी की अभी मिली है ना, इससे पहले क्या बीजेपी की सरकार नहीं थी? हमारे हरियाणा में भी अभी नायब सैनिक को बनाया गया है और वो अब कह रहे हैं, 10 साल उनकी पार्टी ने राज कर लिया, अब कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे। जबकि किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है कि मुझे एमएसपी, मेरी फसल का जो लागत मूल्य है, एमएसपी देने की भी बात हो गई, जाति जनगणना की भी बात हो रही है, तमाम सोशल जस्टिस पे तो अभी काम कर रही है ना। मोदी जी ने नहीं कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, कहा था या नहीं कहा था? आप ही बताइए, आप बताइए ना, को गड्ढा कौन कौन के निकाल रहे हैं, मतलब इलेक्शन के बाद फिर ये भी पहली बातें हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी। इलेक्शन के बाद इन अगर सत्ता आपकी आ गई तो क्या फिर से ये वही बातें नहीं हो जाएंगी? ये तो पुरानी बातें छोड़िए, ये तो जुमला था। क्या अमित शाह ने नहीं बोला था कि ये तो चुनावी जुमला, ऐसे तो कहते रहते हैं। बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ बनाई हुई है, क्या जो किसान है हरियाणा के आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं? थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो इनका जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत ही बता रहे हैं, इनका जो अलायंस हुआ है उसमें भैया इतनी सीटें आपको देंगे, बाकी हम लड़ेंगे, कांग्रेस का, आम आदमी का, बीएसपी की उनके साथ बात हुई है, और शायद सपा भी आ रही है, बाकी उन्हें अखिलेश ने कहा है कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप लड़िए, चलता है, टूटता रहे, उसका कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस ही सत्ता में वापसी कर रही है। लास्ट क्वेश्चन उनका, क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा, कांग्रेस दे पाएगी? देखो 55 सालों में आज तक उसने अधिकार नहीं दिया। देखो आपकी बात मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई अधिकार एससी एसटी या ओबीसी को नहीं दिया है। ये ज़रूर है कि जिस सत्र तक चाहिए आप ध्यान करेंगे। आपसे ही सवाल लूंगा, आप एक किसान हैं, देश को 78 साल हो गए आजाद हुए, अगर आप गांव में जाकर सर्वे करेंगे तो एससी और एसटी समाज के पास खेत का कितना टुकड़ा है, आप खुद बताइए। नहीं, हमारे हरियाणा में बहुत कम हैं जो एससी एसटी या ओबीसी माइनॉरिटी के पास जमींदार है। अगर हरियाणा अगर छोड़ दिया जाए एससी एसटी समाज के पास जो थोड़ा बहुत खेत है, तो पूरे भारत में एससी एसटी के पास खेती होती नहीं है? हमारे यहाँ तो एससी है ना भैया, मैं सीधा पादरा बताऊँ, जो हमारे चमार साथी हैं, भाई हैं, बाई कास्ट बोलूँ मैं, वो हमारे ज़मींदार के साथ सीरी साझी रहे हैं। हमारे यहाँ हरियाणा की कहूँगा मैं, जो हमारा ग्रेटर हरियाणा है जिसमें पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, साथ लगता थोड़ा पंजाब, इसमें शुरू से ही जो हम सुनते आ रहे हैं ना,
किताबों में भी पढ़ा है, अगेसी के भाई पीछे झाड़ू आगे गले में हंडी, वो सब साउथ में होता था, वहाँ देवदासी प्रथा अटरम सटरम जो भी होता था, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। मुझे गर्व इस बात के लिए मेरे पूर्वजों पे कि हमारे यहाँ एससी एसटी हमारे यहाँ सीरी साझी रहते थे जमींदार के काम में, और फिर हमारी फसल पे, मेरे घर पे फसल बाद में आती थी, ये हमारे कुमारी का, ये हमारे चमार का, ये हमारे दानका का, ये हमारे खाती का, ये हमारे लोहार का, सबका हिस्सा पैर होता था, जहाँ पे गेहूँ निकालते हैं ना खेत में, बनी होती थी, पैर होता था, पैर में से ही सबका हिस्सा बढ़ता था। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से उत्तर भारत में शोषण बन, ये जो लगातार जो किया गया ना, कुछ संगठनों ने, कुछ साम्राज्यवादी ताकतों ने हमारे भाईचारे को बांटने का काम किया, और हम लगातार इसको वापस जोड़ने का काम करेंगे और लगातार करेंगे। तो इस बार कांग्रेस की सरकार, हाँ कांग्रेस की सरकार हरियाणा में 200% आ रही है और पूरे बहुमत के साथ आ रही है। शुक्रिया, धन्यवाद।